हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। गाइज, आज के इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी फोटो में डॉज एंड बर्न इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। डॉज एंड बर्न बहुत ही फेमस टेक्निक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इसका यूज करते हैं। एंड कोई भी फोटो अगर आप ध्यान से देखो तो वो दो चीज़ों से बनी होती है, कलर एंड लाइट। कलर को आप लाइट रूम के अंदर एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन जब तक आप लाइट को एडजस्ट नहीं करोगे, मतलब डॉज एंड बर्न नहीं करोगे, तब तक आपकी फोटो बिल्कुल परफेक्ट नहीं लग सकती। वैसे तो मेनली डॉज एंड बर्न स्किन के ऊपर यूज करते हैं लोग, लेकिन इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी पूरी फोटो में एक 3D डेप्थ इफेक्ट डाल सकते हो डॉज एंड बर्न से, या फिर आप पूरी फोटो में एक मूड क्रिएट कर सकते हो डॉज एंड बर्न से। तो आज की इस वाली वीडियो में यही जानेंगे डॉज एंड बर्न से आप क्या क्या कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस जो डॉज एंड बर्न का है, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है, बस आप इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। सो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोज मैं लेके आता रहता हूं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉज एंड बर्न की फोटो में जरूरत क्यों पड़ती है। नॉर्मली देखिए, जब भी आप फोटोज को क्लिक करते हो ना, तो वहां पे लाइटिंग्स इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है कि आपकी फोटो में आपकी स्किन बिल्कुल मस्त दिखे और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर बिल्कुल अच्छे से अच्छी लाइट आए। क्योंकि मोस्टली टाइम मैं खुद अपनी फोटो को नेचुरल लाइट में ही क्लिक करता हूँ, मैं कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं करता हूँ। एंड वहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते लाइट को मॉडिफाई करने के, जो नेचुरल हमें लाइट मिल रही है उसी से हमें अपनी फोटो क्रिएट करना होता है। आई एम श्योर कि आप लोग भी मोस्टली नेचुरल लाइट्स में अपनी फोटो क्लिक करते होंगे बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्ट बॉक्स के या लाइट के। तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट यही रहता है कि फोटोज को आप एडिटिंग में डॉज एंड बर्न करो एंड उसमें अच्छे से अच्छी लाइट क्रिएट करो डॉज एंड बर्न से। इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं कि डॉज एंड बर्न से आप अपनी पूरी फोटो को एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप अपनी पूरी फोटो में डॉज एंड बर्न कैसे कर सकते हैं एंड पूरी फोटो का मूड एंड फील कैसे बदल सकते हैं सिर्फ डॉज एंड बर्न से। सेकंड स्टेप में बात करेंगे आप अपनी स्किन को कैसे डॉज एंड बर्न कर सकते हो एंड कौन से वो बेस्ट टूल्स हैं स्किन को डॉज एंड बर्न करने के लिए। एंड लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां से आप पूरी फोटो में डॉज एंड बर्न इफेक्ट जस्ट एक क्लिक में ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से एंड यहां पे बात करते हैं इस फोटो को एडिट करने की। सो देखिए, सबसे पहले ये फोटो मेरे पास है एंड इस फोटो में दिखाऊंगा आपको कि आप अपनी फोटो में पूरा मूड कैसे चेंज करते हैं डॉज एंड बर्न से। इस फोटो को आप देखिए ध्यान से, बहुत ही नॉर्मल सी फ्लैट एक फोटो लग रही है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल डेप्थ अभी ऐड करेंगे, वो भी सिर्फ डॉज एंड बर्न से। एंड ये डॉज एंड बर्न के प्रोसेस के लिए वैसे तो बहुत सारी ऐप्स है, लेकिन जो बेस्ट ऐप है वो है फोटोशॉप फिक्स, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा भी लॉस नहीं होता है। ये हमारी एप्लीकेशन एडोबी फोटोशॉप फिक्स, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जस्ट आप इसमें साइन अप कीजिए एंड इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। तो सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे गैलरी से। ये हमारी फोटो जो हम अभी एडिट करने वाले हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप अपनी फोटो को डॉज एंड बर्न करके बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस फोटो को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कलर्स बिल्कुल फ्लैट है, हर जगह से लाइटिंग बिल्कुल सेम ही है। मैं चाहता हूँ एजेस थोड़ी सी डार्क रहे, जैसे कि ग्राउंड नीचे का थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था एंड जो पीछे बोर्ड है क्योंकि वो फोकस में नहीं है तो वो थोड़े से डार्क होने चाहिए थे, तभी हमारे सब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी। तो देखिए हम करेंगे क्या कि हम जाएंगे यहाँ से आगे एंड लाइट वाले ऑप्शन के अंदर हम घुस जाएंगे। लाइट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से लाइटन एंड ये डार्कन, मतलब ये डॉज एंड ये बर्न। तो सबसे पहले हमें बर्न करना है, तो बर्न पे हम क्लिक करेंगे। इस ब्रश पे क्लिक करके आप इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसका साइज़ रखूँगा अराउंड 50 एंड हार्डनेस बिल्कुल कम, ताकि जो हम करें इफेक्ट वो बिल्कुल स्मूथ दिखे। तो हार्डनेस मैंने रखी अराउंड 7% एंड आप ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओपेसिटी आपको रखनी है अराउंड 20 के आसपास, तो मैं 22 रख रहा हूँ। एंड अब हम फोटो को जूम करके जस्ट ऐसे ब्रश से पेंट करते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का ये डार्क हो रहा है एंड मैंने ओपेसिटी कम रखी हुई है, इसलिए ये इफेक्ट बहुत कम दिखा रहा है। बट ओपेसिटी कम रखने का फायदा ये है कि आप बिल्कुल परफेक्शन से कर पाएंगे। सो ये नीचे का ग्राउंड जो है ये मुझे अभी डार्क करना है। सो देखिए हम इसको डार्क कर रहे हैं, जस्ट इसे पेंट कर रहे हैं। सो ये अभी डार्क हो चुका है, अगर देखें बिफोर आफ्टर। सो देखिए हल्का सा ये डार्क हो चुका है, थोड़ा सा हाथ मेरी जींस के ऊपर भी लग गया था तो ये वहाँ पे भी हो चुका है। नो वरीज, हम इसका साइज़ पहले थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। साइज इसका मैक्सिमम 52 ही रहता, चलो कोई बात नहीं। हम इसको जूम करके जो ऊपर का एरिया वहाँ पे भी कर लेते हैं पेंट। सो देखिए जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे पेंट करते रहना है। आपको ध्यान देना है कि आपके सब्जेक्ट पे ये पेंट ना हो, जस्ट आपके बैकग्राउंड पे ही पेंट हो, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड का हमारा एक्सपोजर कम हो एंड सब्जेक्ट का सेम रहे। तो देखिए आपको जस्ट ऐसे ही पेंट करते रहना है जहाँ पे भी आपको डार्क करना है। सो ये हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डार्क कर लिया है। आप चाहो तो इस पूरे की ओपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड देखिए इसकी ओपेसिटी, पहले फोटो ऐसी थी एंड हमारा डॉज बर्न करने से फोटो हो चुकी है ऐसी। हालांकि अभी हमने सिर्फ बर्न किया है, अभी हमने डॉज नहीं किया है, क्योंकि अभी सिर्फ डार्कनेस ऐड हुई है, लाइट्स अभी ऐड हमने नहीं किए। तो लाइट्स कैसे हम ऐड करेंगे, लाइट पर हम जाएंगे एंड देखते हैं इसकी सेटिंग्स को। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम रखेंगे अराउंड 10 के आसपास एंड हार्डनेस भी बिल्कुल कम, साइज भी आराम से 30-32 के आसपास। अब जस्ट जहाँ पे हमें लाइट चाहिए वहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मुझे अपनी जीन्स पे थोड़ी सी लाइट चाहिए एंड अपने हाथों पे भी,
एंड देखिए जहाँ पे भी हम पेंट करते जा रहे हैं वहाँ पे एक मस्त लाइट ऐड हो रही है एंड एक डेप्थ भी ऐड हो रही है। मुझे अपने बालों पे भी चाहिए कि मैं थोड़ी सी लाइट ऐड करूँ। मस्त लाइट ऐड हो चुकी है बालों पे भी एंड हमारे कपड़ों पे भी। अब देखते हैं पूरा बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे चलते हैं एंड ओपेसिटी करते हैं बिल्कुल कम। तो देखिए पूरी फोटो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है एंड अगर आप ध्यान से देखो तो फोटो में बहुत अच्छी डिटेल भी आ चुकी है क्योंकि हमने डॉज एंड वन किया है। सब्जेक्ट हमारा डार्क हो चुका है इसलिए फेस हमारा ब्राइट लग रहा है एंड पूरा फोकस अब देखिए जस्ट हमारे सब्जेक्ट पे जा रहा है एंड फेस पे जा रहा है क्योंकि बैकग्राउंड से जो एक्स्ट्रा लाइटिंग आ रही थी उसको हमने कट कर दिया, उसको हमने डार्क कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपकी फोटो में भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कहीं से ज़्यादा लाइट आ रही हो बैकग्राउंड से या फोरग्राउंड से, तो आप उसको डॉज एंड बन करके सही कर सकते हैं एंड पूरी लाइट अपने सब्जेक्ट पे रख सकते हैं। आपने देखा कितने आसान तरीके से अपनी फोटो में डॉज एंड बन करके हमने पूरी फोटो का सीन ही बदल दिया है। अब बात करते हैं आप अपनी स्किन पे कैसे डॉज एंड बन कर सकते हैं। तो चलिए स्किन को एडिट करने के लिए मेरे पास एक दूसरी फोटो है, तो सिंपली हम ऐड पे क्लिक करेंगे एंड ये फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इंडोर ही क्लिक की थी स्टूडियो में लाइट्स लगा के, लेकिन इसमें भी आप देखिए स्किन बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, मतलब फ्लैट लग रहा है फोटो, कहीं पे भी ऐसे डेप्थ नहीं बन रही है लाइट की। तो इसमें हम करेंगे डॉज एंड बन जस्ट फेस पे, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले चलेंगे यहाँ से लाइट्स के अंदर क्योंकि स्किन पे आपको पहले डॉज करना होता है। तो लाइटन पे हम क्लिक करेंगे, साइज देख लेते हैं यहाँ से, साइज थोड़ा सा छोटा, हार्डनेस बिल्कुल कम एंड ओपेसिटी रखेंगे अराउंड 7-8 है, वो कम ही रखेंगे ठीक है। इसके बाद आपको जस्ट ऐसे डायरेक्शन में पेंट करना है। अगर आपको अपनी फोटो में जॉ लाइन्स बनानी है तो आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइट की डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करनी है। सो देखिए हल्की हल्की ड्रॉ हो रही है एंड क्योंकि हमने ओपेसिटी बिल्कुल कम रखी हुई है इसलिए ये बहुत हल्की ड्रॉ हो रही है। बट जब आप फेस पे कर रहे हो तब आपको कम ही रखनी है ओपेसिटी क्योंकि उससे आप प्रिसाइजली कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा रख दोगे तो फोटो आपकी बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है। नोज़ पे भी हल्का सा कर लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नोज़ पे। ओके एंड इस साइड भी कर लेते हैं। आपको ध्यान देना जो आइज़ के नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे मैक्सिमम लाइट आती है, सो एडिटिंग में भी हमें यही करना है। यहाँ पे भी हल्की सी लाइट बना लेते हैं, बाकी हमारे लिप्स पे भी हल्की सी लाइट होनी चाहिए। सो देखिए ये भी हो चुका है। अब आप चाहो तो अपनी नेक पे थोड़ी सी लाइट ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ये, एंड यहाँ पे ये डॉज एंड बन हो चुका है। तो देखते हैं बिफोर आफ्टर। सो देखिए ये हो चुका है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा रखेंगे इतना एंड इसको करेंगे टिक। अब एक बार दोबारा इसमें हम डॉज करेंगे जिसमें कि ओवरऑल फोटो में हम डॉज करेंगे। तो लाइट्स में चलते हैं, इसके हार्डनेस को बिल्कुल कम एंड साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आइज़ के नीचे जो डार्क पार्ट है इस पर हम थोड़ा सा डॉज करेंगे ताकि जो डार्क सर्कल है वो हमारे छुप जाए। सो देखिए ये हमने डॉज कर लिया हल्का फुल्का, बिफोर आफ्टर आप देखिए बहुत हल्का सा चेंज है लेकिन सही लग रहा है। अब यहाँ पे बर्न करते हैं एंड फोटो में बिल्कुल मस्त एक शेप आ जाएगी बर्न करते ही। तो डार्कन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे, इसका साइज़ रखेंगे छोटा, हार्डनेस बिल्कुल कम एंड ओपेसिटी अराउंड 5 या 10, तो मैं इसको 6 रख रहा हूँ। एंड देखिए अब आपको डार्कन कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपने लाइट कर रखा है ना उसके नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पे आपको डार्क करना है। तो जैसे हमारे यहाँ से ये लाइट आ रही है लेकिन इसके नीचे वाला पार्ट है उसमें थोड़ी सी शेडो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। जैसे नेक वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एंड अब देखिए पूरी फोटो का बिफोर आफ्टर बहुत हल्का सा एक चेंज है एंड इसके अगर हम ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखिए पूरी फोटो में बहुत मस्त सा एक चेंज आ रहा है एंड एक 3D डेप्थ वाला इफेक्ट आ रहा है फेस में, तो इसको हम टिक करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्किन में डॉज एंड बर्न कर सकते हैं, अपनी स्किन को भी ऐसे पॉपिंग बना सकते हैं। चलिए ये आपने देख लिया, अब बात कर देंगे आप अपनी फोटो में ऑटोमेटिक कैसे डॉज एंड बर्न कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कहाँ पे डॉज करना है कहाँ पे बर्न करना है एंड आप चाहते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर लाइटिंग बहुत ही परफेक्ट रहे एंड बैकग्राउंड थोड़ा सा डिम रहे ताकि हमारे जो फोकस है वो मतलब सब्जेक्ट पे जाए एंड जो व्यूअर आपकी फोटो को देखे वो जस्ट आपके सब्जेक्ट को ही देखता रह जाए, तो इसके लिए लाइटरूम के अंदर एक बहुत ही कमाल का ऑटोमेटिक सा टूल है। आइए बात करते हैं वो टूल कौन सा है। तो मैं अपनी एक ऐसी फोटो को ऐड कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी रीटच कर रखी है, इसमें सब कुछ हो रखा है, जस्ट इसमें ये डॉज एंड बर्न नहीं हो रखा जो हम अभी करने वाले हैं ग्लोबल डॉज एंड बर्न। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देखिए इस टेक्निक का नाम है एक्सपोजर शिफ्टिंग। आप में से बहुत से लोगों को शायद से पहले ही पता हो क्योंकि मैं अपने पुराने चैनल पे एक्चुअली इसकी एक वीडियो डाल चुका था जिसमें कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों को ये ट्रिक पसंद आई एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि यार उस वीडियो को आप इस चैनल पे भी रीअपलोड करो। तो मैं आपको इसी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है, आगे से आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, अपनी फोटो में बिल्कुल यूज़ करिएगा। सो देखिए आपको बताता हूँ कैसे आपको एक्सपोजर शिफ्टिंग करनी है। इसके लिए हम यूज़ करने वाले लाइटरूम का सिलेक्टिव टूल, तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे एक सर्कल। सो उस सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ये सर्कल रखना है, जैसे यहाँ पे मैं हूँ तो मैंने अपने ऊपर ये रख दिया है। सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड करना है इन्वर्ट रेडियल ग्रेडिएंट। इससे क्या होगा, आपका ये सर्कल इन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है बाहर वाला वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड जो आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसको आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना ताकि आपके फेस के ऊपर ये ना आए रेड वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारा आउटर एरिया है इसका हम एक्सपोजर कम कर देंगे
तो चलते हैं यहाँ से लाइट्स में एंड इसका एक्सपोजर करेंगे थोड़ा सा डाउन। सो ये देखिए ये हो चुका है। इसी के साथ हम इसकी क्लैरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड इसकी हम क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं एंड डन। सो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि हमने अपनी पूरी फोटो का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, जो हमारा सब्जेक्ट था वो एक्चुअल उसी लाइटिंग में है जो पहले था, लेकिन जस्ट हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसका एक्सपोजर कम किया है। तो इससे ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि हमने सेंटर में जो एक्सपोजर था उसको बढ़ा दिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। सो देखिए पूरी फोटो में मस्त एक ये डार्क वाला इफेक्ट आ चुका है, एजेस इसकी बिल्कुल डार्क हो चुके हैं एंड सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ऐसे फोकस आ रहा है। सो ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है, इसको बोलते हैं एक्सपोजर शिफ्टिंग। जब भी आप फोटो को लाइटरूम में एडिट करते हैं, पूरी फोटो को एडिट करने के बाद आप लास्ट स्टेप अगर ये वाला करते हैं एक्सपोजर शिफ्टिंग का, तो आपकी पूरी फोटो में एक अलग ही लुक आएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको डॉज एंड वन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी अब सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए जरूर। एंड आप कैसे बता सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोज मैं लेके आता रहता हूं आप सभी लोगों के लिए। सो चले गए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।